नमस्कार जी, मेरा नाम है नीलू। बताने जा रही हूँ, कल शुभ योग में इन 10 में खरीदे कोई भी एक चीज फायदे में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्प को नक्षत्रों का राजा माना गया है। मानता है कि इस नक्षत्र में खरीदी गई कोई भी वस्तु लंबे समय तक चलती है और शुभ फल प्रदान करती है। यही कारण है कि दीपावली से पहले आने वाले पुष्प नक्षत्र पर बाजारों में जमकर खरीदी होती है। इस बार 23 अक्टूबर रविवार को पुष्प नक्षत्र होने से रवि पुष्प का शुभ योग बन रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं कि इस शुभ योग में आप कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। सोना। रवि पुष्प के शुभ योग में गोल्ड या गोल्ड से बनी ज्वेलरी खरीदना शुभ रहता है। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चांदी। उस नक्षत्र में खरीदी गई चांदी या इसके आभूषण लंबे समय तक उपयोग में आते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहती है। रत्न। पुखराज, हीरा, नीलम, मोती आदि रत्न भी पुष्प नक्षत्र में खरीदना शुभ रहता है। भविष्य में ये लाभ प्रदान करते हैं। वाहन। पुष्प नक्षत्र के शुभ योग में 2 पहिया व 4 पहिया वाहन भी खरीदे जा सकते हैं। ये लंबे समय तक चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज, LCD, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान पुष्प नक्षत्र में खरीदना शुभ रहता है। अचल संपत्ति। मकान, प्लाट, फ्लैट को अचल संपत्ति कहते हैं। पुष्प नक्षत्र के योग में इन्हें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। कपड़े। पुष्प नक्षत्र में नए कपड़े खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में खरीदे गए कपड़े लंबे समय तक उपयोग में आते हैं। बर्तन। दीपावली के पहले बर्तनों की खरीदारी की जाती है, इसीलिए पुष्प नक्षत्र में बर्तन भी खरीदे जा सकते हैं। शेयर। अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं तो पुष्प नक्षत्र इसके लिए शुभ दिन है, मगर किसी अनुभवी की सलाह अवश्य लें। सजावटी सामान। दीपावली पर अगर आप अपना घर सजाना चाहते हैं तो इसकी खरीदी भी आप पुष्प नक्षत्र में करें तो बेहतर रहेगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।